जू गए हो क्या आप घूमने जहाँ पे जानवर रहते हैं सबसे खतरनाक कौन लगता है? शेर। लेकिन सोचो शेर आपकी तरफ मुस्कुरा के रखे और प्यार से अपने पास बुलाए, आपने भी दोस्ती का हाथ बुलाया और पिंजरे में कदम रख दिया। इसके बाद क्या होगा? जवाब देने के लिए बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई है, शिकार है शिकारी है, लेकिन कौन क्या है वो पटाखा ना आपकी जिम्मेदारी। डार्लिंग्स ऑन नेटफ्लिक्स, आर्या भट्ट आफ्टर गंगूबाई एक नया पटाखा लेकर आई है और इस बार सीधा ओटीटी के रास्ते आपके घर के अंदर। कहानी एक लव ट्रायंगल की है, पति पत्नी और वो कौन, मार धाड़ लात घूंसा मुक्केबाजी बोले तो डोमेस्टिक वायलेंस। इधर आदमी के चेहरे पे मुस्कान तो उधर हीरोइन के चेहरे पे चोट के निशान, बोले तो जिसको समझा हीरो वो साला निकला जीरो। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी का विलन मिस्टर पति खुद किसी और के हाथों में बड़ी कठपुतली बन गया। जितना चाहे नचा लो, जैसा चाहे घुमा लो, थप्पड़ लात घुसे इवन क्रिकेट बैट, चौका छक्का कुछ भी मारो। अभी कमाल की बात बताऊं, कहानी की हीरोइन का है एक बड़ा अजीब सा सपना, बदन पे लाल फैशन वाले कपड़े और मुंबई के बीचों बीच घर हो पूरा इसका अपना। वो जू वाले शेर के पिंजरे से आपको क्या लगा सिर्फ इंसान का खून बाहर निकलेगा? गलत। इस बार पिंजरे से इंसान बाहर निकला एकदम फिट एंड फाड़ू, लेकिन शेर जो अंदर था वो ऐसे गायब हुआ जैसे कोई जादू। हाउ इज दिस पॉसिबल? शिकारी खुद शिकार कैसे बना? फिल्म देखो, बस फिल्म देखो, इंसान से खतरनाक जानवर कोई दूसरा नहीं होता। डार्लिंग्स क्यों देखनी चाहिए? सीधा जवाब, फाइनली कुछ नया मिलेगा। बॉलीवुड में डार्क कॉमेडी जैसा जॉनर है जिसमें हंसते हंसते डर लगे, ऐसा प्रोजेक्ट बनाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। सही गलत में से चुनना सबके लिए आसान होता है, लेकिन जब दो गलत में से किसी एक को चुनने को बोला जाए तब आपके दिमाग का असली टेस्ट शुरू होता है। बस वही एग्जाम की जैसी है ये फिल्म। कहानी एकदम सिंपल है, कुछ ऐसा यूनिक नहीं जो आपने पहले ना देखा हो, लेकिन हाँ उस कहानी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है विद कॉमेडी एंड सरप्राइजेस वो दो घंटे आपको पकड़ के रखेगा। जैसे हसीन दिलरुबा में क्लाइमेक्स एकदम शॉकिंग और सरप्राइजिंग टाइप का था, वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये गलतफहमी रख के फिल्म देखिएगा वरना डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन डार्लिंग्स का क्लाइमेक्स एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जरूर देगा, ऐसा जो आप भूल नहीं पाओगे। वहां तक पहुंचने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है क्योंकि बीच बीच में कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजिंग मोमेंट्स आते रहेंगे। गलती से भी ये सोचकर कि इस फिल्म में दो हीरोइंस हैं तो नाच गाना के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, डार्लिंग्स को इग्नोर मारने का पाप मत करिएगा। फिल्म इसके ठीक उल्टा है, ना तो गाना बजाना और ना ही ग्लैमर बाजी, ओनली स्ट्रॉन्ग मैसेज। और एक मजेदार कहानी जो प्रेडिक्टेबल जरूर है, लेकिन सबकी एक्टिंग परफॉर्मेंस आपको एंड तक देखने को मजबूर कर देगी। हाँ, लेकिन एक चीज आपका मूड जरूर ऑफ कर सकती है, वो है फिल्म की स्पीड। स्क्रीन प्ले थोड़ा धीमा धीमा है जिसकी वजह से दो घंटे की फिल्म तीन घंटे में खत्म हुई ऐसा लगेगा। बाकी आलिया भट्ट को इस फिल्म में देखकर अगर आप एक बॉलीवुड सपोर्टर हो तो आपके दिल में सेटिस्फेक्शन जरूर फील होगा। इस फिल्म में उनके अंदर दो लोग रहते हैं और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग, और एक ही फिल्म में इतना एक्टिंग वेरिएशन लाना कोई मामूली चीज नहीं। आलिया भट्ट की बेस्ट परफॉर्मेंस तो नहीं, लेकिन कुछ नया एक्साइटिंग जरूर देखने को मिला है। विजय वर्मा का स्ट्रॉन्ग जोन है नेगेटिव परफॉर्मेंस, और इस फिल्म में बंदे को देखकर स्क्रीन के अंदर घुस के पीटने का मन करता है, इतनी रियल एक्टिंग है इनकी। शेफाली मैम का सपोर्टिंग कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, काफी सरप्राइजेस है इनकी कहानी में जिसके बिना डार्लिंग्स अधूरी रह जाएगी। तो बस मेरी तरफ से फिल्म को मिलेंगे 5 में से 3 स्टार्स। पहला तो शिकार वर्सेस शिकारी कौन किस पे भारी, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। दूसरा नो रीमेक नो कॉपी, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश, फिर डार्क कॉमेडी। तीसरा फिल्म के क्लाइमेक्स में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज और उस तक पहुंचने का रास्ता जिसका क्रेडिट फिल्म से जुड़े लोगों की एक्टिंग को जाएगा। नेगेटिव्स में स्लो धीमी स्पीड, वो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है। और दूसरा एक सस्पेंस फैक्टर, वो फिल्म से बिल्कुल गायब है, पूरी कहानी खुली किताब है, नो ट्विस्ट नो चालाकी। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी